हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, आज हम उन लोगों के बारे में बात करेंगे जिनके बाल जो अपने कर्ली बालों से परेशान हैं और जिनके बाल स्ट्रेट नहीं है, जिनके बाल रफ हैं, ड्राई हैं, डैमेज हैं। तो उन लोगों के लिए आज हम बात करेंगे कि उन लोगों को परेशान होने की जरूरत नहीं है। आज हम घर पे ही DIY ऐसा करेंगे कि जिससे आपके बाल एकदम स्ट्रेट हो जाए। और फ्रेंड्स, आप सैलून में जाते हैं तो आप कम से कम आप स्ट्रेटनिंग के लिए या रिबॉन्डिंग के लिए इसी बीच के लिए आप जाते हैं तो आपके बालों में कम से कम आपके 5 to 9,000 रुपीज़ आपके कम से कम खर्च हो जाते हैं। और उस समय तो क्या होता है, आपके बाल उस समय आपको बहुत अच्छे लगते हैं, उस समय तो बाल बहुत सॉफ्ट होते हैं, स्ट्रेट होते हैं। लेकिन क्या होता है, जब आप 4 से 5 महीने हो जाते हैं, 4 से 5 महीने के बाद आप देखेंगे तो आपके बाल बहुत डैमेज हो जाते हैं, बीच बीच से टूटने लग जाते हैं, 2 मुंह हो जाते हैं, काफ़ी प्रॉब्लम्स आती है उसके बाद बालों में। तो फ्रेंड्स, और आपको ये भी पता है कि जो हम घर पे DIY करेंगे वो हम नेचुरली घर की चीज़ों से ही बनाएंगे, घर की चीज़ों से ही करेंगे, जिससे कि क्या होगा आपके बालों में, आप ये आपको जिनके बाल मेरी तरह है उन लोगों को तो स्टार्टिंग में ही आपको रिजल्ट अच्छा मिलेगा। लेकिन मैं ये कहूँगी कि नेचुरल चीज़ों में धीरे धीरे ही असर मिलता है। जिन लोगों के बाल बहुत ज़्यादा फ्रीजी हैं वो ये मत सोचना कि आपको एक ही बारी में 100% रिजल्ट मिलेगा। मिलेगा स्टार्टिंग में, बट ये नहीं कहूँगी कि 100% मिलेगा। और आप स्टार्टिंग में इसको लगाएंगे तो आपको अच्छा लगेगा। और जिन लोगों के पास नॉर्मल है उन लोगों के लिए तो उन लोगों को तो फर्स्ट टाइम पे रिजल्ट इसका नजर आ जाएगा। अगर आप इसको हफ्ते में अप्लाई कर लें या 2 हफ्ते में अप्लाई कर लें, जैसा आपको टाइम मिले आप उस समय इसको अप्लाई कर लें। कम से कम 1 घंटा इसको अपने बालों में लगा के रखना है तो आपको इसका अच्छा खासा रिजल्ट मिलेगा। फिर जब आप सैलून में जाते हैं, आपको सैलून में कितने तरह के होते हैं, कैरेटिंग होता है, स्मूथनिंग होता है, स्ट्रेटनिंग होता है, काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं, पर इन सब में डिफरेंस क्या है, इन सब की रियलिटी तो सैलून वाले ही जाने, ये तो हमें पता नहीं है। बस मैं यही कहूँगी आपको कि आप घर में नेचुरली चीज़ों से अपने बालों को स्ट्रेट कर सकते हैं, ऐसा नहीं है आपको सैलून जाने की ही ज़रूरत है। तो आप घर पे ही DIY करके अपने बालों को स्ट्रेट कीजिए, सॉफ्ट कीजिए। और फिर जो लोग इतना अफोर्ड नहीं कर सकते, 5 to 8,000 रुपीज़ आप लोगों को सैलून में इससे भी ज़्यादा देना पड़ता है, अगर आपको जो लोग अफोर्ड नहीं कर पाते इस चीज़ को या जो लोग नेचुरली चीज़ों में ज़्यादा बिलीव करते हैं, तो उन लोगों के लिए आज हम आप लोगों को टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आज हम घर पे ही DIY करेंगे, घर पे ही हम अपने बालों को स्ट्रेट करेंगे। और फ्रेंड्स, मैं आपको ये भी सजेशन दूंगी कि आप जब भी शैम्पू यूज़ करें और कंडीशनर यूज़ करें तो पैराबेन और सल्फेट फ्री और केमिकल फ्री आपका शैम्पू कंडीशनर होना चाहिए। और आप मामाअर्थ का या वाओ का शैम्पू भी यूज़ कर सकते हैं, कंडीशनर भी, मैं खुद यूज़ कर रही हूँ उसको, मेरे को काफ़ी अच्छा लगा है। मेरे बाल झड़ने टूटने काफ़ी बंद ही हो गया, लगभग नहीं टूट रहे मेरे बाल। और फ्रेंड्स, मैं आपको ये भी कहूँगी कि आप शैम्पू के बाद कंडीशनर जरूर अप्लाई करें अपने बालों में और हेयर सीरम भी जरूर अप्लाई करें अपने बालों में, उससे भी आपको काफ़ी फर्क देखने को मिलेगा। तो गाइस, आप लोगों को तो पता ही है जिनके बाल बहुत ज़्यादा कर्ली हैं, फ्रीजी हैं, उन लोगों को एक बारी में इतना रिजल्ट नहीं मिलेगा, मतलब फर्स्ट टाइम पे मिलेगा 50% मिलेगा, बट आपको केमिकल से जैसे 100% मिल जाता है तो नेचुरल चीज़ों से तो धीरे धीरे ही मिलेगा। पर आपके बालों में कोई आपके बालों के लिए बिल्कुल हार्मफुल नहीं होगा ये। और फ्रेंड्स, मैं आपको ये भी कहूँगी कि आप इसको हफ्ते में एक बार अप्लाई कर सकते हैं तो कर लीजिए, वरना 2 हफ्ते में तो एक बार ज़रूर आप उसको अप्लाई कर लीजिए। और अगर आपको कोई भी शादी पार्टी में भी किसी भी फंक्शन में जाना है, आपके बाल बहुत रफ हो रखे हैं, आपके पास टाइम नहीं है, आप पार्लर में नहीं जा सकते, तो आप इसके लिए क्या करिए, आप इसके लिए जो मैं आपको DIY आज बताऊँगी आप ये अपने बालों में अप्लाई कर सकते हैं और आप किसी भी शादी पार्टी में बहुत ही अच्छे से अपने बालों को लेकर जा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, चलिए मैं आपको बताती हूँ हमें इसके लिए किस किस चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। और ये सारी चीज़ें आपकी किचन से ही निकल के आ जाएंगी, आप लोग को ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, मैं आपको बताती हूँ। तो फ्रेंड्स, मीडियम लेंथ के बालों के लिए हमें क्या लेना है, एक हमने केला लिया है और 1 चम्मच हमने मैदा लिया है, 1 हमने अंडा लिया है, पूरा एक फुल अंडा लेना है साबुत, और उसके बाद हमने 2 चम्मच ऑयल लेना है आपको, ये मैंने कोकोनट ऑयल लिया, आपको जो आपके पास ऑयल अवेलेबल हो आप वो ले सकते हैं। उसके बाद मैंने 1 चम्मच दही का लिया है ये, और 1 चम्मच शहद हो गया। अब हमें इन सारी चीज़ों को मिक्सर ग्राइंडर में अच्छे से ग्राइंड करके एक फाइन पेस्ट बना लेना है। तो फ्रेंड्स, जो हमने पेस्ट बनाया है सारी चीज़ों का, ये देखिए ये हमारा फाइन पेस्ट ऐसा बन चुका है पूरा, इसको मैंने एक बोल में शिफ्ट कर लिया है। अब हम इसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले मैं अपने हाथों में ग्लव्स पहन लेती हूँ। पहले आपके पास ग्लव्स हैं तो आप पहन लीजिए, अच्छा रहेगा, और अगर नहीं है
कोई नहीं, आप ऐसे ही अप्लाई कर लीजिए अपने बालों में इसको। तो देखिए मैंने अपने हाथों में ग्लव्स अप्लाई कर लिया है। अब मैं अपने बालों का दो पार्टीशन करूंगी। ये देखो मेरे बाल कैसे हो रखे हैं, सबसे बेजान से ड्राई से हो रखे हैं। इसको अब मैं अपने बालों का दो पार्टीशन कर देती हूँ इससे। तो आप देख सकते हैं बालों की कंडीशन अभी कैसी है, एंड देन हम इसको अपने बालों में अप्लाई करेंगे तो हमारे बालों की कंडीशन कैसे होती है ये देखो। तो देखते हैं कितना हमको रिजल्ट इसका कितना अच्छा मिलता है, ये आप लोगों के साथ मैं आज लाइव दिखाऊंगी। इस तरीके से हम अपने बालों को सुलझा लेंगे। अब मुझे अपने बालों को क्या करना है, अपने बालों के छोटे छोटे पार्ट्स लेने हैं इस तरीके से। बाकी को मैं भी पीछे शिफ्ट कर देती हूँ, एंड देन मैं थोड़ा थोड़ा पार्ट्स उसे हम स्ट्रेटनिंग के लिए लेते हैं। ऐसे हम थोड़े थोड़े पार्ट्स लेते रहेंगे अपने बालों के, अच्छे से सुलझा भी लेना आपको अपने बालों को जब आप अप्लाई करेंगे जितने भी बालों में। तो ये मैंने अपने बाल स्ट्रेट कर लिए हैं और मैं इस बैटर को लूँगी और अपने बालों में अच्छे से अप्लाई करूँगी स्ट्रेट करते हुए इस तरीके से। आपको फ्रेंड्स इसमें स्मेल बिल्कुल भी नहीं आएगी। अब आप उससे कुछ लोग नॉन वेजिटेरियन होते हैं उन लोग का तो चल जाता है, वो लोग तो अप्लाई कर लेंगे मतलब इसको, पर ऐसा नहीं है जो वेजिटेरियन लोग हैं वो लोग भी इसको इजीली अप्लाई कर सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि आपको इसमें स्मेल आएगी। तो देखिए किस तरीके से आपको इसमें लगाना है अपने बालों में, अच्छे से अप्लाई करने पूरे बालों में। और जैसे कैसे पूरे स्ट्रेट करते हुए अच्छे से लगाना है आपको। ऐसे करते करते आपको थोड़ा सा पार्टीशन और लेना है, ऐसे करते करते आपको पूरे बालों में अप्लाई करना है। आप खुद से नहीं लगा पाते तो आप किसी और से भी लगवा लीजिए, अगर आप को लगता है कि आप खुद से नहीं लगा पाएंगे, क्योंकि आपको छोटे छोटे पार्टीशन लेने हैं तो आप किसी और की हेल्प लेके भी लगा सकते हैं इस तरीके से। इस तरीके से इसको स्ट्रेट से करना है, नीचे की तरफ लाना है, अच्छे से लगाना है पूरे आपके बालों में, अच्छे से लगना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आधे में लगा आधे में नहीं लगा, अच्छे से आपको उसको अप्लाई करना है इस तरीके से। ऐसे करते करते आपको पूरे बालों में इसको लगा लेना है। तो चलिए मैं इसको अप्लाई करती हूँ, यहाँ पे एक चलिए गिर जाएगी, मैं इसको वॉशरूम में जाके अप्लाई करके आती हूँ। तो फ्रेंड्स देखो मैंने अपने हाफ पार्टीशन में इसको अप्लाई कर लिया है, और उसके बाद ना आपको क्या करना है, जब छोटे छोटे पोर्शन में आप इसको लगाएंगे उसके साथ साथ ही आपको कोम भी करते जाना है, क्योंकि आपके बाल फिर सुलझेंगे नहीं, आपके बाल एकदम स्ट्रेट रहेंगे। और उसके बाद आपको देखो ये मेरे पूरे बाल में लग गया, मैंने अपने बाल अच्छे से कोम कर लिए हैं, बिल्कुल भी उलझे हुए नहीं है। आप इसको अच्छे से देखिए मैंने पूरे बाल में अप्लाई कर चुका है ये। और आपको अपने बालों को ना बांधना नहीं है, अपने बालों को ऐसे ही स्ट्रेट रखना है ऐसे करके, कि आपके बाल एकदम ऐसे ही स्ट्रेट रहने चाहिए। और चलिए मैं दूसरी साइड भी अप्लाई करती हूँ। तो फ्रेंड्स देखो मैंने अपने दोनों साइड अप्लाई कर लिया है, हमको अपने बालों को ऐसे स्ट्रेट करके रखना है। और इसको हमें एक घंटे तक, आप कोशिश करो कि अगर आप एक घंटे तक इसको ऐसे स्ट्रेट रख सकते हो तो स्ट्रेट रख लो इसको ऐसे। और एक घंटे में अगर आपको लगता है आधा पौन घंटे में आपके पास टाइम नहीं है, तो उसके बाद आप इसको क्या करें, अगर आपके पास ड्रायर है तो ड्रायर से अपने बालों को इसको ड्राई कर देना, पूरा पूरा जितना भी आपके बालों में लगा हुआ है इसको आपके बालों, लेकिन अपने बालों को फोल्ड मत करना, बालों को ऐसे ही रखना और स्ट्रेट रखना और तभी स्ट्रेट रहेंगे। और उसके बाद आप इसको ड्रायर से, ड्रायर की हेल्प से इसको पूरा सुखा लेना। और सुखाने के बाद अगर आप कोशिश करो कि अगर आप एक घंटे से ज़्यादा रख सकते हो तो अच्छी बात है, और उतना अच्छा आपको रिजल्ट मिलेगा। और चलिए मैं भी अपने बालों को ट्राई करती हूँ, 1.5 घंटा जितना होता है मेरे से। तो
तो उसके बाद मैं आपको रिजल्ट दिखाती हूँ। तो फ्रेंड्स मैं अपने हेड एक घंटे बाद मैं अपने हेड वॉश करके आ गई हूँ और रिजल्ट आपके सामने है। ये देखिए मेरे बाल इतने स्ट्रेट हुए हैं। अभी मैंने आपको पहले ही बोला है नेचुरली चीजें हैं, जिन्हों के बाल ज्यादा रफ और डैमेज है उन लोगों को ये मत सोचना आपकी आपके बालों में एक ही बारी में इतना असर पड़ेगा। मेरे को देखो मैं 50% कहूंगी कि मेरे को 50% इसका असर अभी इंस्टेंटली पड़ा है। अगर आप कहीं पे भी जाते हैं शादी पार्टी में आप उसको यूज कर सकते हैं। आपके बाल देखो स्ट्रेट हो जाएंगे काफी काफी, मतलब पहले से रफ है जैसे भी है काफी हद तक स्ट्रेट हो जाएंगे आपके बाल। और जिन लोगों के ज्यादा फ्रीजी है उन लोगों को थोड़ा सा टाइम लगेगा। आप ये मत सोचना कि आपको एकदम से आपके बाल स्ट्रेट हो जाएंगे। तो मैंने आपको दिखा दिया मेरे बाल पहले कैसे थे और अभी कैसे हो गए हैं, ये देखिए आप। तो फ्रेंड्स यही था आज का रिजल्ट। आई होप आपको मेरी भी आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करके जाना और फ्रेंड बेल आइकन को जरूर प्रेस कर देना जिससे कि आपको मेरी वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा अगर आप बेल आइकन को प्रेस करेंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।